उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता शिक्षक भर्ती करवाने जा रहा है। एग्जाम की डेट लगभग फिक्स्ड हो चुकी है प्री एग्जामिनेशन की, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि स्क्रीन परीक्षा को लेकर, क्योंकि कई लोग जो है स्क्रीन परीक्षा ना हो, सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर हो, इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर अभ्यर्थी चाह रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर देखते हैं प्रवक्ता में, स्क्रीनिंग भर्ती हटाई जाए इसको लेकर जो है यहाँ पर ज्ञापन अपन दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रवक्ता शिक्षक भर्ती स्क्रीनिंग हटाने और विषयवार परीक्षा कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता, जो कि इनके द्वारा कहा गया, और शिक्षा जो सचिव हैं उनसे मिले हैं, उनसे भेंट की है ताकि ये परीक्षा ये हटा दिया जाए। लगातार निदेशालय के मंतव्य की ओर बताया गया है कि उनका यहाँ पर जो मांग की जा रही है उनसे, और निदेशालय से जो उसका मंतव्य मांगा गया है, और इस मामले में कार्रवाई में जो है कोई तेजी, मतलब और तेजी लाई जाए इसको लेकर मामला चला हुआ है, ताकि ये आगे जाए और इसमें जो है स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा जो है यहाँ पर नहीं हो। अब आयोग तो यहाँ पर स्क्रीन करवाता है, क्योंकि आयोग ने साफ साफ दिखाया कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम स्क्रीन करवाएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। साफ साफ उसमें विज्ञप्ति में लिख देता है वो, पिछली बार जो विज्ञप्ति आई हुई थी। और क्योंकि अभ्यर्थियों की ज़्यादा ही संख्या होती है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो स्क्रीन परीक्षा करवानी पड़ती है आयोग को, इस वजह से स्क्रीन परीक्षा होती है। स्क्रीन परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है, कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि यार मेंस ही हो, एक ही पेपर हो, और यहाँ पर जो है सिर्फ सब्जेक्टिव हो, उसके द्वारा ही सिलेक्शन हो। लेकिन अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या इनकी मांग मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। इनकी मांग तो लगातार चली हुई है, अगर ये मांग पूरी होती तो स्क्रीन परीक्षा हटा दी जाएगी, और फिलहाल तो लग नहीं रहा कि यार स्क्रीन परीक्षा हटाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी इनकी मांग मांगेंगे। और फिलहाल तो विज्ञापन अभी संशोधन के लिए गए हुए हैं आयोग के पास, जल्दी वापस आने के बाद इसका विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगा। फिलहाल तो जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है स्क्रीन हटाने को लेकर, तब तक के लिए तो स्क्रीन परीक्षा बनी रहेगी, क्योंकि उसी के अनुसार जो है तैयारी कर सकते हैं, साथ ही सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका भी मेंस होने के बाद 3-4 महीने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता उसमें भी, तो इस तरह का मामला चला है। और इस बार पोस्ट काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाई हैं, और लगभग 700 करीबन पहुंच सकती है पोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी, और ज़्यादा पद खाली हैं आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ज़्यादा पद नहीं आ पाएंगे इस बार।